थाना सदर कसूर पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। हैदरी गैंग का सरगुना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। 70,000 रुपए नकदी, मसरूका 3 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमों का दौरान तफ्तीश कसूर और इसको गिर्दो नवा में वारदातों का इंकशाफ। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव में दो ग्रुप्स में मामूली बातचीत पर झगड़ा। मुखालिफिन का डंडों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल। खातून कत्ल, 7 मर्दों खवातीन जख्मी। नाश और जख्मियों को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उच्च शरीफ में खून सफेद। बाप ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके 19 साल बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। अफसोसनाक वाकये पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ननकाना साहब में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल की तलाशी ली। 1,430 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चरस कीमियाई तजिया के लिए PFSA को भेज दी गई। और ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। डेरा गाजी खान में जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मोबाइल और पेट्रोलिंग की कार्रवाई। इंस्पेक्टर फियाज अहमद कहते हैं ओवर चार्जिंग करने वाले अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल। खरीदारी में तेजी, मार्केटों में रश बढ़ गया। आवाम ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का भी मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर मक्सी, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में ईद की तैयारियां उरूज पे चल रही है। आज चांद रात है, आवाम ने मार्केटों का रुख कर लिया। इस वक्त में मौजूद हूँ कराची के अहम मसरूफ तरीन मार्केट में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए शॉपिंग के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। आज चांद रात के हवाले से उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहोगे आप, किस चीज़ लेने के लिए यहाँ पे आए हो और क्या कहोगे पिछले साल से इस साल में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, डबल का फ़र्क है, आधे आधे का फ़र्क है। पिछले साल इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस साल महंगाई है, और मुल्क की हालत भी आपके सामने ही है। कोरोना की वबा भी चली और फिर वज़ीर आज़म साहब भी उतर गए। अब नई गवर्नमेंट आई है, नया काम होगा, क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने। पिछले साल से इस साल क्या पोजीशन? बहुत ख़राब पोजीशन है, पब्लिक में ताकत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये 5 दिन से सन्नाटा था, आज छान रहा थे तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। रश्वश बस उसके अलावा। अच्छा, आपने आवाम से बात की, आवाम का यही कहना है कि इस साल जो है ना महंगाई की वजह से कारोबार इतना नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आवाम जो ना महंगाई की वजह से। जी अनवर मक्सी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। महंगाई की लहर ईद खरीदारी पर भी असरअंदाज। शहरियों का महंगाई का शिकवा, हुकूमत से रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी। मजीद जानते हैं रावलपिंडी के तजारती मराकज बाड़ा मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा।
अच्छी आज चांद रात है और चांद रात की जो खुशियां हैं, आपको बताया रमजान मुबारक का जो महीना है इस वक्त गुजर चुका है, उसके बाद चांद रात पे जो खरीदारी होती है, छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे जो खुशी होती है, खवातीन के चेहरों पे जो खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने रमजान के पूरे रोजे रखे होते हैं और रमजान के रोजे की खुशी के बाद जिस वक्त चांद रात आती है और अगले दिन ईद होती है तो उस खुशी की इंतहा नहीं होती है। और मैं इस वक्त रावलपिंडी के बाजार बाड़ा में मौजूद हूँ और बाड़ा में इस वक्त खरीदारी के हवाले से लोग जूतियां खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तरह तरह के कपड़े खरीदे जा रहे हैं, बहुत सी चीजें खरीदी जा रही हैं। तो मैं इस वक्त एक ऐसे स्टॉल में मौजूद हूँ जहाँ पे खरीदारी की जा रही है, खवातीन अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ जहाँ पे आगे खरीदारी कर रही है। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज चांद रात है और चांद रात की खरीदारी के हवाले से क्या क्या खरीदारी हो रही है? चांद रात है और बड़ी खुशियों की बात है, रमजान मुबारक है, बस बच्चों की खरीदारी वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चों की ईद होती है तो बस लगे हुए हैं। अभी रश बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल आ रही है, कुछ महंगाई भी है। तो आज ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि कुछ महंगाई भी है, खरीदारी में मुश्किलात पेश आ रही है। जाहिर सी बात है महंगाई के साथ साथ ईद की खुशियां तो सेलिब्रेट करनी है। मेरे साथ छोटा बच्चा भी मौजूद है जो खरीदारी के लिए जहाँ पे है। हाँ बेटा, क्या क्या खरीदारी की आपने? मैंने जूता भी ले लिया और पैंट शर्ट अभी देख रहा हूँ और अभी जा रहे हैं आगे बस। हाँ जी, कितना खुश नजर आ रहा है बच्चा, जूते भी ले लिए हैं, पैंट शर्ट भी ले लिया है, शर्ट भी ले लिए, सब लिए। इसी तरह आप देख सकते हैं मेरे चारों अतराफ में कि यहाँ पे इस वक्त खरीदारों के हवाले से बहुत बड़ा रश है यहाँ पे, और खरीदारी के हवाले से आप देख सकते हैं कि बहुत जमे गफीर है और ईद की खुशियाँ मनाने के हवाले से तमाम लोग, तमाम बच्चे, तमाम खवातीन और तमाम आलम इस्लाम के जितने भी ये लोग हैं बड़े खुश और खुरम नजर आ रहे हैं। जी, शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं दान हैदर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद उल फितर की आमद आमद, खरीदारी के लिए मार्केटों में गहमा गहमी, ईद की तैयारियां, चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, नुमाइंदा फहीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहीम सिद्दीकी, आगाह कीजिएगा। तो बोलूंगा जी नाजीन, इस वक्त हम साहिवाल के बा रौनक सड़ी गली बाजार में मौजूद हैं और ईद की आमद आमद है। इस वक्त फैमिलीज, खवातीन, बच्चे सब खरीदारी में मसरूफ़ हैं और बच्चे ख़ास तौर पर छोटी बच्चियां चूड़ियां खरीद रही हैं, कोई बच्चियां मेहंदी खरीद रही हैं और कपड़ों की दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश है। ख़ास तौर पे रश जूतियों और गारमेंट्स की दुकान पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल भी बहुत पुरसकून माहौल है यहाँ पर। और बस ये कि थोड़ी सी गर्मी है जिसकी वजह से आवाम परेशान है। और ईद की हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों, इसी तरह ईदें पाकिस्तान में आती रहें और हम लोग खुशियां मनाते। जी फहीम सिद्दीकी, आगाह करने का शुक्रिया। चांद रात होते ही जहां खवातीन ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही हैं, वहीं मर्द हजरात भी बनाव सिंघार में किसी से पीछे नहीं। मर्द हजरात ने भी सैलून का रुख कर लिया। कोरोना वायरस के खात्मे के बाद बाजारों के साथ साथ हेयर सैलून में भी रश बढ़ गया है। मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह खवातीन ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही हैं, वहीं पे मर्द हजरात जो है वो सैलून का रुख कर रहे हैं। कोई फेशियल करवा रहा है, कोई कटिंग करवा रहा है, मकसद सबका एक ही है कि सबसे अलग नजर आया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्ला हेयर सैलून में, हमारे साथ इसके मालिक फजल मुल्ला मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस साल दो साल बाद कोरोना वायरस के दौरान तो तकरीबन कारोबार बंद रहा था, तीसरा साल है जब कारोबार खुला है, तो क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। दो साल तो कारोबार बिल्कुल बंद रहा है, तीसरा साल है जब कोरोना की पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म हो गई हैं, किस तरह देख रहे हैं आवाम में गहमा गहमी और रश भी नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बजा फरमाया आपने और कैमरे की आंख में भी होगा कि इस वक्त जो है रश भी मौजूद है और आवाम इस वक्त जो है बिल्कुल अपने जो है हेयर कटिंग, फेशियल, हेयर रिबॉन्डिंग हर चीज़ करवाने के लिए, लड़कों में वैसे आजकल बहुत चीज़ पाई जाती है। और दो साल हकीकत मैंने पिछले दो साल बहुत सर्वाइव किया, और मैंने किया मुल्क पाकिस्तान में जितने लोग हैं स्पेशली कराची के अंदर, तो लोगों ने बहुत सर्वाइव किया क्योंकि कराची में जो सेल होती है वो उरूज की होती है। चाहे हम पिछले कितने भी रिकॉर्ड उठा लें, हर साल जो है हर साल रमजान मुबारक में भी इफ्तारियों में भी बरकतें होती हैं और इसी तरह के ईद के मौके पर खासतौर पर स्पेशली चांद रात को भी लोग बहुत ज़ौक व शौक से मार्केटों में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, फिर हेयर सैलून की तरफ रुख करते हैं, जैसे आपने बताया कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की तरफ और जेंट्स जो है ब्यूटी सैलून की तरफ रुख करते हैं। मगर
मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दो साल की नस्बत और वो जो मामला थे कोरोना के, अल्लाह पाक का बड़ा करोड़ों करोड़ों एहसान है मुसलमानों पर कि आज जो है हम उस वबा से महफूज हो चुके हैं। इसमें जो शहीद हुए मैं उनकी मगफिरत के लिए आज के दिन की बरकत से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। और मेरे ही बहुत से अजीज जानने वाले रिश्तेदार पड़ोसी अहबाब, मेरे अपने चाचा, मेरे अपने दोस्त के वाले साहब भी इस दुनिया फानी से रुखसत हुए कोरोना की वबा में, और मैं खुद इसका जो है रहा हूँ मरीज। तो दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें आने वाले सालों में खुशहाली, तरक्की और खुशाइनी फरमाए और ऐसी वबाओं से हमें महफूज फरमाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल फजल मुल्ला जी, आपने बातें सुनी। इनका कहना था कि दो साल हमने इस कोरोना वायरस के अंदर बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है, ये तीसरा साल है जब आवाम का रश भी नज़र आ रहा है और मार्केटों में और सैलून्स में भी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जी जी अरशद महमूद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद का तारिक रोड आवाम की सहूलियात के लिए लगाए गए कैंप का दौरा। इस मौके पर जुबैर मोतीवाला का कहना था कि कोरोना वायरस तो खत्म हो गया मगर महंगाई के बायस आवाम में कुव्वत खरीद नहीं रही, हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल के लिए जामे पॉलिसी तरतीब दे। सबसे पहले तो ना अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने जो है ये वापस हमको जो है कोविड से निजात दी और आज हम आराम से घूम रहे हैं, हरम खुल गए, हमारी बाजारें खुल गई, लोग बाहर आए, तो मेरा ख्याल ये तो इंतहाई खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा ऐसी बात है जिसको हम जितना सराहें कम है। और लेकिन अभी भी जो है ना गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अभी जितने लोग आपको बाजार में नज़र आ रहे हैं उसमें ख़रीदार कम है, अभी भी जो है ना विंडो शॉपिंग वाले ज़्यादा है। तो ये बाइंग पावर को लाने के लिए भी, जो कारोबार है उसको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को काम करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि कोविड एक हकीकत थी, इसमें कोई शक नहीं, और पूरी दुनिया के अंदर ये इसने एक बहुत बड़ा नुकसान दिया गया, एक बहुत बड़ा घूम आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोविड तो नहीं है, लेकिन मसला ये कि देखा है कि कोविड से बाहर निकले लेकिन महंगाई के सिलाब ने जो है वो हमारे पाकिस्तान को बिलखसूस कराची शहर को जकड़ा हुआ है। दो साल के बाद ये बाजार खुला है, दो साल तक कोविड था, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत ज़्यादा कोशिशें थी। मेरा मरना जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है और यकीन माने चैम्बर ऑफ कॉमर्स आधी रात को वो फादियों को जवाब देते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह कल हमारे इंशाल्लाह ईद हो जाएगी, लोगों को ईद मुबारक हो। और हमारी माँ बहनों के लिए, फैमिली के लिए जो ये इवेंट करते लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि यहाँ पे कोई मसला ना हो, इसके लिए टेंट लगाते हैं ताकि हमारी फैमिली आराम के साथ हमारे मुसलमानों का जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए अपनी शॉपिंग कर सके। और इलियास मेमन का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें यहाँ। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि शहर शहर ईद के रंग, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर, ईद की खरीदारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मजीद जानते हैं ओकाड़ा में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदिल रशीद से। जी अदिल रशीद, बताइएगा ओकाड़ा के शहरी कैसे ईद की तैयारी कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि काड़ा के शहरी ईद की खुशियां मनाने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अदिल रशीद से। जी अदिल, आगा कीजिएगा। चांद रात है, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर बात की जाए काड़ा शहर की तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद बाजारों में पहुंच चुकी है। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। जी सर, सुबह से हम तकरीबन 4-5 दुकानों में विज़िट कर चुका हूँ लेकिन कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है तो रेट बहुत ज़्यादा है, मजबूरी है चीज़ भी लेनी है। हमारे साथ अब दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, इसमें मजबूरी ख़रीदार की भी और बेचने वाले की भी, हम कुछ नहीं कर सकते कि रेट्स अगर पसंद नहीं आ रहेगा आपको, वो हमारी हैडिक नहीं है। ऑल ओवर जो पाकिस्तान में या बाकी मईशत का जो हालात हैं वो सब देख रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जो है रेट्स बढ़ चुके हैं, अब हम जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको समझा कर थक चुके हैं, बार बार एक ही बात समझाना कि भाई हमने नहीं बढ़ाए, रेट सारे बढ़े हैं। इस हवाले से हम भी मुश्किल में और जो ख़रीदार हैं वो भी मुश्किल में। अब आप ही बेहतर जान सकते हैं कि आप जो सारा कुछ देख रहे हैं, ख़रीदार से भी पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या नवीयत चल रही है। ईद है सबको, ईद मुबारक,
और दूसरी बात यह है कि ईद के रश में जो है वो तलख कलामी भी चल रही है कस्टमर के साथ और प्यार बड़ी बातें भी चल रही है। बहुत वैसे हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि शॉपिंग करने के लिए तो आए हैं लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दे रही, टाइम कम है। और जी अदील रशीद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुख करते हैं कराची का, जहां ईद का चांद नजर आते ही अवाम ने बाजारों का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब ईद की तैयारी में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे, कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदा फौजिया बेग से। जी फौजिया बेग, आगाह कीजिएगा। जी तो इस वक्त हम नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके में मौजूद हैं और ये बहुत मशहूर मार्केट है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद का जैसे ऐलान हुआ तो काफी सारे लोग जो है जिनकी ईद की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं और बाजार में इस वक्त बहुत ज्यादा रश है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या तैयारी की है ईद की। रही है मेरे साथ बहुत सारी तैयारी करी है, थोड़ी सी चीजें बच्चों की ज्वेलरी वगैरह बाकी रह गई है। रिश्तेदारों के जाते हैं, मैं अपने मैके जाती हूँ, ईद गुजरेगी, मजा आएगा, अच्छे से मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले की जो होती थी वो डिफरेंट होती थी, लेकिन आपकी ईद तो बस वो बात नहीं जो पहले होती थी, सारी हो गई कम्प्लीट माशाल्लाह से। हाँ बस थोड़ी बहुत रह गई थी वो बस कर रहे हैं, कान की बूंदे के शूज वगैरह माशाल्लाह हो गई है। बहुत ज्यादा रश है आज अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्क है माशाल्लाह से। इस साल दो साल बिल्कुल बेकार गए कोरोना में, हमने कोई काम नहीं किया, इस साल माशाल्लाह से काम में तेजी आती जा रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चल ही रही है, तकरीबन तो हो गई है। पीको करवाने आएंगे, दुपट्टे पीको के लिए रह गए। बस दावत होती है, कभी हमारे घर होती है, कभी हमारी किसी के घर दावत होती है, बस हमेशा तो होती रही थी। कोरोना की वजह से घर घर में ही रहे। बस मैंने ज्यादा कुछ खरीदा ही नहीं है, ईद का एक जोड़ा बनाती हूँ, मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी बस जॉगर पैंट्स ले रही हूँ, थोड़ी बहुत अम्मी का सामान है, परफ्यूम्स वगैरह है, फ्रेग्रेंस नहीं, बस सादगी से जरूरत है मेरे घर में, सादगी से बनाई। अभी तो तकरीबन सारी शॉपिंग हो गई है, नई ले लिए, ये भी अभी तो ऐसे आए थे हम लोग देखने, कुत्ते वगैरह देखने के लिए आए थे जी। नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं। नहीं अभी चल रही है, हाँ बस थोड़ी सी रह गई है, पोनिया के चल वगैरह ये लेना है। जी ना जी, जैसे कि आपने देखा लोगों ने कहा कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ईद की तैयारी काफी ज्यादा हो चुकी है, छोटी छोटी चीजें बाकी हैं बस उसकी तैयारी। जी फौजिया बेग, आगाह करने का शुक्रिया। चांद रात पर जहां तमाम अफराद खरीदारी में मसरूफ हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस अपने घर बार को छोड़कर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में अपने फराए सर अंजाम दे रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए खसूसी कैंप कायम किया गया है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक मशहूर मार्केट में, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पेशल कैंप लगाया गया है ताकि ट्रैफिक बहाल रह सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर सुहेल साहब, इनसे पूछते हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं शहरियों की सहूलत के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शहरियों की सहूलत के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी जानिब से, कैंप भी लगाए गए? सर इस दफ़ा माशाल्लाह से पहली दफ़ा हमने ट्रैफिक की तरफ से कैंप लगाया है ताकि लोगों को आगाही दी जा सके कि आपने डबल पार्किंग पे अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। तो दो गुज़िश्ता दो सालों से कोरोना की वजह से बाज़ारों में रश भी नहीं था, इस दफ़ा माशाल्लाह रश भी बढ़ा हुआ है और गहमा गहमी नज़र आ रही है बाज़ार के अंदर, और ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी लगा के इसको कंट्रोल किया जा रहा है और माशाल्लाह आपके सामने देखें ट्रैफिक बिल्कुल फरावानी से चल रही है। अच्छा हमने ये देखा है कि लोग तो घरों में ईद मना रहे होते हैं, जैसे कल ईद है, लेकिन आप अभी तक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या आपने कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की? सर ये भी हमारा एक फ़र्ज़ है, जिसको फ़र्ज़ को हम निभाते हुए जब तक ये आवाम अपने घरों पर सुकून से नहीं चली जाएगी और ये हर गाड़ी यहाँ से अपने घर तक नहीं पहुँच जाएगी, हम रोड पर रहेंगे और इनकी खिदमत करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुहेल साहब की बातें सुनी, इनका कहना था कि ईद हो या कोई और भी त्यौहार हो, हम आवाम की खिदमत में हर वक्त जो है वो पेश पेश रहते हैं, हमारी कोशिश ये है कि जब तक आखिरी गाड़ी यहाँ से अपने घर ना चली जाए। जी अरशद महमूद, आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईद की शॉपिंग करने का मज़ा तो चांद रात को आता है। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि रात देर तक खरीदारी और हल्ला गुल्ला करेंगे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों का कहना था कि ईद की शॉपिंग करने का मजा तो चांद रात को आता है। आज चांद रात आए, हम शॉपिंग के लिए निकले, हम देर तक मार्केटों में फिरेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, रात का खाना भी बाहर खाएंगे, सुबह ईद होगी, सेवियाँ मिठाई खाएंगे और ईदी वसूल करेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन काम है, बहुत रश है, बहुत शॉपिंग कर रही है कस्टमर, माशाल्लाह आप देखें गैली में भी फ्रंट पे भी कस्टमर ही कस्टमर है। बस सर चांद रात को आखिरी दिन होते हैं, आउट ऑफ सिटी जो लोग जॉब करते हैं वो आते हैं, फिर अपनी फैमिलियों के साथ लेट नाइट वो शॉपिंग करते हैं। सर आज चांद रात ही है, सर चांद रात है, हम बच्चों के जूते लेने आए हैं, अच्छे हैं, हर चीज़ मिल रही है, महंगे भी है लेकिन चीज़ अच्छी हम ले रहे हैं, गर्मी भी है और यहाँ पे और आए हम शॉपिंग करने के लिए, मैंने अपने साथ जूते खरीदे हैं और अभी कपड़े वगैरह और शॉपिंग करनी है। आज चांद रात है क्योंकि कल सुबह ईद है, इसी वजह से आज हम शॉपिंग करने हैं ताकि अपने सारा काम मुकम्मल कर ले, सुबह ईद अच्छे तरीके से गुजरे। हम इस वक्त हम बहावलपुर ट्रेड सेंटर मौजूद हैं और बच्चों की शॉपिंग के सिलसिले से यहाँ पे हम आए हैं।
चांद रात है और इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है। जिस शॉप पे भी जाते हैं तो जनाब बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे मौजूद है और शॉपकीपर जो हैं वो रश की वजह से वो भी काफ़ी परेशान भी हैं। और हाँ जी, हाँ जी, हम चांद रात है, हम लोग भी शॉपिंग तो कर लिए सारी, बस चूड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आए हैं हम लोग ना। अब मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ, कपड़े और ले लिए और चूड़ियाँ लेने आई हूँ, आज चांद रात है सुबह पहनूंगी। मैं यहाँ पे चांद रात है, आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मैं शूज और अपने एक ड्रेस लेने आई हूँ। कैमरामैन गुरम स्टार के साथ। नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां, शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, ईद की तैयारी के लिए सामान की खरीदारी, दुकानों पर रश है। मजीद जानते हैं संजयपुर से जाम जमीर की रिपोर्ट में। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल और मार्केटों का रुख किया हुआ है। हर तरफ ईद की खरीदारी का रश है, रात गए तक शहरियों की जानिब से खरीदारी की जा रही है। बच्चे बड़े खवातीन सब मनपसंद खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। खवातीन ईद पर मुनफरद और खूबसूरत नजर आने के लिए फैंसी मलबूसात के साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ दिखाई देती हैं। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ, और खवातीन का फैंसी मलबूसात के साथ मैचिंग जूता ना हो तो बात नहीं बनती। खवातीन की महंगी खरीदारी पर खामन पर बिल देते वक्त घबराहट तारी होती है, लेकिन खुशी के आगे सब कुछ मानद पड़ जाता है। बच्चे अपनी मनपसंद मलबूसात और जूते मिलने पर खुशी से फूल ले नहीं समा रहे। ईद की तैयारी के लिए मार्केटों में गहमा गहम ये रूद पर है, क्योंकि ईद है एक खुशी का नाम। इस दिन को खूब से खूब मनाने और सजने संवारने के लिए शहरी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए मसरूफ। रिपोर्ट आपने जानी, अब आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह हबीबाबाद में भी ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे बड़े खवातीन सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। खवातीन की कसीर तादाद ने मार्केटों का रुख कर लिया है। बच्चे अपने मनपसंद जूते, कपड़े और खिलौने, खवातीन चूड़ियाँ और मेकअप का सामान खरीदने में मसरूफ हैं। ईद के दिन मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन की कसीर तादाद ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख भी कर लिया है। अहमदपुर लम्मा में ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर, बाजारों में गहमा गहमी, शहरियों ने मेहंदी, चूड़ियों और शूज की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद पहली ईद है जिससे बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। दूसरी तरफ दुकानदारों ने महंगाई के बायस खरीदारों की कमी का भी शिकवा कर दिया। ईद उल फितर की नमाज पुलिस लाइन मस्जिद लकी मरवत में अदा की गई। डीपीओ शहजादा उमर अब्बास बाबर समेत दीगर अफसरान ने नमाज अदा की। मजीद जानते हैं शरीफुल्ला खान की रिपोर्ट में। लकी मरवत ईद उल फितर की नमाज पुलिस लाइन मस्जिद लकी मरवत में अदा की गई। डीपीओ लकी मरवत शहजादा उमर अब्बास बाबर समेत लाइन ऑफिसर और ज़िले की दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों के अलावा काफ़ी तादाद में उलमाए कराम और दीगर समाजी लोगों ने नमाज ईद एक साथ अदा की। नमाज ईद के बाद शहदाए पुलिस की बुलंद दर्जात के साथ साथ मुल्क व कौम की सलामती और अमन व इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएँ मांगी गई। डीपीओ नमाज ईद अदा करने के बाद पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद दी और इनमें ईदी तकसीम की। बात आज़ाद डीपीओ लकी मरवत शहजादा उमर अब्बास बाबर की तरफ से पुलिस लाइन में बड़े खाने का अहतमाम किया गया जिसमें तमाम पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िले पुलिस सरबरा शहजादा उमर अब्बास बाबर ने ज़िले के तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को नमाज ईद के तमाम इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद पर फ़राइज मनसबी बखूबी सरंजाम देने पर ज़बरदस्त अल्फाज में शाबाश दी और उनके आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर, न्यूज़ लकी मरवत। नाजरीन, बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि प्रेस क्लब फारुकाबाद के जेर तमाम फाउंटेन हाउस में ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शेहपुरा मियां मोहम्मद जमील, चीफ ऑफिसर बल्दिया जावेद अहमद चौहान, SHO सदर फारुकाबाद नवीद विर्क बतौर मेहमान खसूसी शरीक थे। MMM प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक मोहम्मद अहमद की तरफ से फाउंटेन हाउस में जेरे इलाज 127 खवातीन और हजरात को ईद के तहफ दिए गए। सैयद अमजद अली रिजवी की तरफ से खाने का इंतजाम भी किया गया था। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राणा नबील अजमत, मियां लियाकत, बाबर अली बसरा, राणा ताहिर महमूद, मियां सलामत अली, जुहेब शहजाद समेत दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर फाउंटेन हाउस फार्म के डॉक्टर जावेद, एडमिन ऑफिसर अब्दुल मजीद, राणा यासीन ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। DPO हाफिजाबाद के तमाम SHOs को ईद के हवाले से खसूसी इकदामात करने की हिदायत। शहरियों की आगाही के लिए मसाजिद में एलान भी करवाए जाएंगे। हवाई फायरिंग और वन बिलिंग जैसे खूनी खेल के मुलविस अफराद की ईद हवालात में गुजरेगी। सोशल मीडिया पर भी असलहे की नुमाइश करने वाले अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वन बिलिंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को जामे प्लान अपनाने की हिदायत। शहरी हवाई फायरिंग और वन बिलिंग करने वालों के 15 पर इतला करें। दीना में मंगला के मुकाम पर मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मैतून और खातून समेत 2 जख्मियों को CMH अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक दीना से बताया जा रहा है। खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव बहादुरपुर में चांडिया बरादरी के 2 ग्रुप्स में मामूली बात पर झगड़ा, डंडे और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल। 1 खातून कत्ल, 7 मर्दों खवातीन जख्मी हो गए। नाश और जख्मियों को मुतलिका अस्पताल खैरपुर नाथन में मुंतकिल किया गया, जहां पर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। जख्मियों का कहना है कि गुलाम रसूल, असद, कासिम और दीगर ने घर में घुस कर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला किया। नाजरीन, उच्च शरीफ ने बाप ने घरेलू झगड़े पर फायरिंग करके 19 साल बेटे को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने नाश उच्च शरीफ अस्पताल में मुंतकिल कर दी। नवाही इलाके के करीब सहरी के वक्त मुजीबुर रहमान ने घरेलू झगड़े पर बेटे मुआज को सर में गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गया। अफसोसनाक वाकये पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और अब आपको बताएं कि थाना सदर कसूर पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैदर उर्फ हैदरी गैंग का सरगुना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। 70,000 रुपए नकदी, मसूका 3 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक गैंग तश्कील दे रखा था, जो कसूर और इसके गिर्दो नवाब में चोरी की वारदातें करते थे। थाना सदर कसूर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फुटेज की मदद से गैंग और को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। ननकाना साहब में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। SHO थाना मंगटा वाला शहबाज डोगर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 1430 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली गई। दौरान तलाशी 1430 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। बरामद शुदा चरस में से 72 ग्राम चरस कीमियाई तज्जिया के लिए PFSA को भेज दी गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डेरा गाजी खान की मोटर मोबाइल और पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर फयाज अहमद खान का कहना है कि गाड़ियों में ओवरलोडिंग और मुसाफरों से ओवरचार्जिंग करने वाले अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। गैर कानूनी सिलेंडर्स के खिलाफ भी इंतजामिया की तरफ से सख्त इकदाम अमल में लाए गए हैं। खसूसी मुहिम के दौरान गाड़ियों में ओवरलोडिंग करके और मुसाफरों से किराए की मद में ओवरचार्जिंग करने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के दौरान चलान किए गए हैं।
नाजरीन, कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफ जई ने मैंगोरा बाजार का दौरा किया, जिसका मकसद मैंगोरा नाले के ऊपर एक जदीद तर्ज की कार पार्किंग के कायम का जायजा लेना था। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर सवाद जुनेद खान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर बाबू जई ने कमिश्नर मालाकंड डिवीजन की कार पार्किंग के लिए मुख्तस जगह पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफ जई ने डेप्यूटी कमिश्नर सवाद जुनेद खान को हिदायत की कि मैंगोरा नाले के ऊपर एक जदीद कार पार्किंग की तामीर के लिए जल्द से जल्द CPC1 तैयार किया जाए। इंजीनियर की मुशावरत से एक ऐसा नक्शा तैयार किया जाए जिससे सैलाब के दौरान मुकामी आबादी को कोई नुकसान ना हो। मैंगोरा शहर में बेहंगम ट्रैफिक एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जिससे मुकामी लोग, ताजरों बल्कि सयाहों को मुश्किल का सामना है। इसके हल के लिए मैंगोरा नाले के ऊपर एक जदीद तर्ज की कार पार्किंग के कायम अमल में लाया जाएगा। सिंध रेंजर्स के जेरे तमाम पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के सरबराहान और मुखय्यर हजरात ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कराची के इलाके मलीर हाल्ट पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के मुखैर हजरात, इदारों और मलीर के गिर्द नवा की जरूरतमंद मुस्तैक अफराद को मदु किया गया। तकरीब में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद कराची के उन मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों को खराज तहसीन पेश करना था, जिन्होंने रमजान मुबारक से कबल और रमजान मुबारक के दौरान गरीब और मुस्तैक अफराद की माशी और फलाही खिदमत के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का भरपूर साथ दिया। जरूरतमंदों और मुस्तैक अफराद के लिए सहरी व अफतारी का इंतजाम किया और रोजमर्रा की जरूरत अशिया भी फराम की। मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों में मिस्टर रियाज प्राचा, अकील करीम डेडी, सलमान इकबाल, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, सीलानी वेलफेयर ट्रस्ट, मिस्टर शेष हाशमी, किसान मिल्स, मियां रशीद अरशद फाउंडेशन, मिस्टर साजिद, मिस्टर गौर हनीफ एंड ग्रुप, साउथ सिटी अस्पताल, पाकिस्तान सिंधी एसोसिएट्स, मिजान ऑयल मिल्स, शेरशाह कबाड़ी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, जामिया नूरुल कुरान, GFC ट्रेडर्स, राह वेलफेयर फाउंडेशन और दीगर सिविल समाजी तंजीमें शामिल हैं। डीजे रेंजर्स ने अपने खिताब में कहा कि इंसानों से प्यार व मोहब्बत और जरूरतमंद इंसानों की मदद के अमल में हर दीन और मजहब में तहसीन की नजर से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम इबादत भी करार दिया है। आइए हम अपने साथ ईद की खुशियों में जरूरतमंदों और मुस्तैक लोगों को शामिल करके ईद की खुशियों को दुबला करें। डीजी रेंजर्स सिंध ने मुखैर हजरात और फलाही तंजीमों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में गरीब नादार और मुस्तैक अफराद के लिए पाकिस्तान रेंजर्स का भरपूर साथ दिया। शहरियों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से किए जाने वाले इस इकदाम को भरपूर सराहा। कैमरा रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि चिन्योट में नहरी पानी का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। दो ग्रुप्स में तसादुम, दो अफराद जख्मी हुए। थाना लंगराना के इलाके 201 लक में नहरी पानी के तनाजे पर दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ। लाठियों का आजादाना इस्तेमाल फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें मुखालिफीन को एक दूसरे पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चार साल बच्ची को घर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के बच्चों बरामद कर ली है। मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस की बेहतरी की कारकर्दगी पर अहले इलाका ने खराज तहसीन पेश किया। नवाही गांव हवेली मालका वाली में अगवाकार गैंग के रुकन खातून ने पुरानी वाकफियत की बिना पर नसीबा बीबी के घर रात गुजारी और अगले दिन साथियों की मदद से इसके 4.5 साल बच्ची अदन फातिमा को अगवा कर लिया। पुलिस थाना कोट राधा किशन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अगवाकार गैंग का पीछा करते हुए दूसरे दिन ना सिर्फ बच्ची को बरामद कर लिया बल्कि मुलजिमा रजिया बीबी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता रहे हैं कि 4.5 साल बच्ची के अगवा का मामला पेश आया है।
वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ाखंड नदीम अनवर भट्टी की तरफ से एहलियान गिम्बर के एजाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें ओकाड़ा के एमपीए चौधरी मुनीबुल हक, चौधरी फियाजुल जफर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ाखंड, राजा मुबशर हुसैन जंजुआ, चौधरी उमर खादिम साबिक वाइस चेयरमैन, सीबीओ चौधरी मकबूल साबिर, हमीद बाजवा, राजा मोहम्मद असलम जंजुआ, सुलेमान हैदर भट्टी और दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।